अरावली पर्वतमाला की वादियों में बसा एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर जयपुर, और इस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृत के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है हवा महल। हवा महल राजस्थान के सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया ये हवा महल राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इस 5 मंजिला इमारत में 953 जरोखे हैं। राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह और गलियारों में होने वाले रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सके। भले ही गर्मियों में जयपुर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, फिर भी यह महल गर्मियों में उतना गर्म नहीं होता। इसके पीछे कारण यहाँ की 953 छोटी छोटी जालीदार खिड़कियाँ हैं, जिन्हें झरोखा कहता है, जिनसे होकर ठंडी हवाएं महल के अंदर तक आती है और इस महल को ठंडा बनाए रखती है। हवा महल की रोचक बातें। हवा महल बिना किसी आधार के बना ये विश्व का सबसे ऊंचा महल है। हवा महल के सामने की तरफ कोई प्रवेश द्वार नहीं है। यदि आपको अंदर जाना है तो आपको पिछले भाग से जाना होगा। हवा महल में 5 मंजिला है और आज भी यह महल सफलता से अपनी जगह पर 87 डिग्री के एंगल में खड़ा है। हवा महल पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं, जो इस महल को ठंडा रखती है। जयपुर के सभी शाही लोग इस महल का उपयोग गर्मियों में आश्रय स्थल के रूप में करते थे। हवा महल को लाल चंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। इस महल को बनाने का उद्देश्य शाही महिलाओं को बाजार और महल के बाहर हो रहे उत्सवों को दिखाना था। हवा महल एकमात्र ऐसा महल है जो मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। हवा महल में ऊपरी मंजिल जाने के लिए केवल ढालू रास्ता है। वहां ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनी है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल को बनवाया था। इसकी 5 मंजिले पिरामिड के आकार में बनी है, जो इसकी ऊंचे आधार से 50 फीट बड़ी है। हवा महल को भगवान श्री कृष्ण के राज मुकुट के आकार में बनाया गया है। हवा महल की खिड़कियों की जाली चेहरे पर लगे पर्दे का काम करती थी। हवा महल गुलाबी और लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया है।